चंद्रपाल मैडम, आज उनकी जो है मैसेज की जो डिलीवरी हुई है तो प्रार्थना पत्र उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में तो आपको लगा देना चाहिए ना, तो आप इसमें जल्दी से लगा दीजिए। और ये ओम प्रकाश मैडम गए हैं सीएल लगाने। तो यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है? कौन है भैया कर्मचारी? कहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है? वो सफाई कर्मी बीमार हो गई थी इसलिए। तो कोई और नहीं है कर्मचारी यहाँ पे? कोई सफाई कर्मी महोबा जिले में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटना घटित हुई जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चरखारी की छात्रा रामकुमारी को एक दिन के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA बनने का अवसर दिया गया। ये पहल महोबा के बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्रशासनिक कार्यों का अनुभव कराना और उनके नेतृत्व कौशल को निखारना था। रामकुमारी ने अपने इस विशेष दिन में शिक्षा विभाग के सभी महत्वपूर्ण रजिस्टरों का निरीक्षण किया और BRC कार्यालय का दौरा कर वहां की कार्यशैली को समझा। इतनी कम उम्र में प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसने आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया। ये पहल बच्चों को शिक्षा से परे प्रशासन और जिम्मेदारियों का महत्व समझाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा का यह अभिनव प्रयास शिक्षा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। उन्होंने बताया, इस पहल का उद्देश्य है कि बच्चे न केवल शिक्षा ग्रहण करें बल्कि यह भी जानें कि शिक्षा विभाग कैसे काम करता है। इससे उनके भीतर नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। इस अनूठी पहल ने न केवल रामकुमारी को एक नई दृष्टि दी बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभरी। यह दिखाता है कि प्रशासनिक और शैक्षिक क्षेत्रों के बीच तालमेल कैसे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। इस कदम ने यह भी संदेश दिया कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें व्यावहारिक जीवन और प्रशासन का भी समावेश होना चाहिए। यह घटना समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है कि बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारियों का अनुभव भी कराएं। इस प्रकार के प्रयास बच्चों के आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नमस्कार, आज मैं जो हूँ वो एक दिन के लिए BSA हूँ। मेरा नाम रामकुमारी है और मैं महोबा जिले में हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मैंने यहाँ पर आज यहाँ की व्यवस्थाएं देखी जो सब ठीक ठाक थी, और मैं कुछ टीचरों को उद्देश्य देना चाहती हूँ। जैसे सभी अध्यापक कर्मचारी विद्यालय में समय से उपस्थित हों और बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो और विद्यालय में साफ सफाई का विशेष ध्यान दे और बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था भी सही हो और कोई बच्चे जमीन पर बैठकर ना खाए और बच्चों को खेल कूदने का समय दिया जाए। यही मेरे निर्देश हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये निर्देश मेरे जो मैंने दिए हैं तो वो सभी इनका पालन करें। धन्यवाद। अच्छा, आज आप BSA बनी तो किस और कहीं निरीक्षण भी करेंगे क्या किसी विद्यालय का या BRC जैसे जगह का? यस, मैं BRC का निरीक्षण करने वाली हूँ और जो होगा तो फिर मैं आप लोगों को समय से खबर देती रहूंगी। धन्यवाद। देखिए, हमारे जो भी विद्यालय हैं वहाँ पे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं और उन्हें खुल के सामने आना चाहिए। ये हम पहले बच्चे का चयन करते हैं जो भी हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। जैसे ये बच्ची है, ये चरखारी कस्तूरबा की बच्ची है और ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, खेल कूद में बहुत अच्छी है, तो हमने आज इसे एक दिन का BSA बनाया है। हम चाहते हैं बच्चे हमारे विभाग को भी जाने समझें, उन्हें
एक दिन का अनुभव मिले, और इससे बहुत अच्छा प्रोत्साहन भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा बच्चों के लिए, ये मैसेज की तरह काम करेगा और वो मन लगा के पढ़ेंगे। हमारे शिक्षकों को भी पता चलेगा कि आखिर कहीं कमियां कर रहे हैं, जैसा अभी बच्ची ने बताया कि शिक्षक समय से उपस्थित हों, तो अगर कहीं चूक है तभी बच्ची कह रही है शिक्षक समय से उपस्थित हों। साफ सफाई की व्यवस्था के लिए इसने कहा MDM गुणवत्तापूर्ण बने, इसका मतलब मैडम ने निर्देश जारी किया। तो अगर ये निर्देश मैडम जारी कर रही हैं, अच्छा मैडम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि बच्चों को खेलने कूदने का समय दें, तो इसके लिए हम अभी हो सकता है अपने स्तर से शिक्षकों को ब्रीफ भी करें कि सप्ताह में एक दिन कम से कम एक कालांश बच्चों को जो भी खेल अच्छा से अच्छा खेलना हो, जैसे ये मैम की इच्छा भी है और कहीं ना कहीं इन्होंने महसूस किया कि बच्चों खेलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम एक कालांश शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन, हालांकि है निर्देश लेकिन कई बार निर्देश फॉलो नहीं हो पाता, तो उसको सख्ती से हम देखेंगे कि इंटरवल के बाद जो भी बच्चा जो खेल खेलना चाहे अपना जी भर के खेले। और ये इस प्रोत्साहन के लिए ये हमने एक बच्ची को एक दिन का BSA बनाया है, और ऐसा कोई विभागीय निर्देश नहीं।